देश में पीएफआई के ठिकानों पर करीब 15 राज्यों में हुई छापेमारी में जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। वहीं पीएफआई के खिलाफ जब यह एक्शन लिया गया था तो यह कट्टरपंथी संगठन उग्र हो गया था और हिंसा करने पर उतारू हो गया था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है जिसके तहत पीएफआई के टारगेट पर पिछड़े हुए हिंदू थे। बता दें कि पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान तैयार किया, इसीलिए उसने पिछड़े हुए हिंदुओं को टारगेट किया। पीएफआई का मानना है कि पढ़े लिखे और संपन्न मुसलमान कभी उनके साथ खड़े नहीं होंगे, इसीलिए उसने टारगेट पर पसमानदा मुस्लिम यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम है और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हिंदू जो हैं उन्हें टारगेट किया और अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की है। फिलहाल ये बड़ा दावा गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पीएफआई का प्लान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि खराब कर देश की 60% आबादी को उसके खिलाफ करना है। इस 60% में से 50% SC/ST और OBC समुदाय के लोग हैं और 10% मुस्लिम हैं। अब इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है और गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट के आधार पर जल्दी ही सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जल्दी ही पीएफआई पर सरकार की तरफ से बैन भी लगा दिया जाए। फिलहाल पीएफआई एक ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जिसका नाम देश विरोधी गतिविधियों में अक्सर आता ही रहता है, जिसकी वजह से सरकार के निशाने पर वो हमेशा से रहा है। और इसी बीच सरकार ने लगभग 15 राज्यों में इसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद अब उस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है और जल्दी ही उस पर बैन लगाया जा सकता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और पीएफआई पर किस तरीके से केंद्र सरकार एक्शन लेती है। बहरहाल पीएफआई पर इस वक्त लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और गृह मंत्रालय इस पर नजरें बनाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।